बस्ती यूपी। अस्पताल खोलना सेवा के क्षेत्र में पुनीत कार्य। देवेंद्र प्रताप सिंह। सोमवार को कटेश्वर पार्क स्थित मोहल्ला जयपुरवा में जीवन दायिनी हॉस्पिटल का उद्घाटन एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह और संजय प्रताप जायसवाल ने फीता काट कर किया। उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अस्पताल खोलना पुनीत कार्य है। अस्पताल खुलने से आने वाले लोगों का उपचार भी होगा। अस्पताल एक आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुविधा है जो जरूरतमंद मरीजों को विशेष चिकित्सा देखभाल, नर्सिंग देखभाल और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करती है। आमतौर पर एक आपातकालीन कक्ष से सुसज्जित होता है जो किसी भी प्रकार की चिकित्सा आपात स्थिति या दुर्घटना को संभाल सकता है। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा कि अस्पताल मानवता की सेवा करते हैं और किसी भी समाज के सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोगी को स्वस्थ बनाने के लिए, विभिन्न बीमारियों से निपटने के लिए अस्पताल अपरिहार्य आवश्यकता है। देखिए, जीवनदायिनी हॉस्पिटल का सोच बहुत बड़ा है। जीवनदायिनी हॉस्पिटल गरीबों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। जीवनदायिनी हॉस्पिटल में महिला चिकित्सक, फिजिशियन, न्यूरो सर्जन और न्यूरो मेडिसिन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और जिन गरीबों को धनाभाव है उनके लिए भी हम लोग चिकित्सा और दवा की पूरी व्यवस्था करेंगे। देखिए, मानवता की सेवा का सबसे पुण्य स्थान अस्पताल है। अस्पताल में व्यक्ति जीवन की आकांक्षा और अपेक्षा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य आता है। अस्पताल का पहला दायित्व है कि पूरे समर्पण भाव से मनुष्य की जिंदगी को बचाने का सार्थक प्रयास करें। जितना डॉक्टर का व्यवहार शालीन होगा, विनम्र होगा, उतना ही उसकी यश पताका ऊंचाई तक पारेगी। हमारी शुभकामना है कि जीवनदायिनी अस्पताल मानवता की सेवा के का मील का पत्थर साबित हो और हम उम्मीद करते हैं कि जनता की जो उम्मीदें हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं अस्पतालों से, चिकित्सकों से, चिकित्सक उस कसौटी पर खरे उतरेंगे। किसी भी इंसान की मौत हो, उसका कारण कोई भी हो, बहुत दुखद है, बहुत चिंताजनक है। इंसान का जीवन ऐसे निरर्थक नहीं जाना चाहिए, निरर्थक सवालों पर नहीं जाना चाहिए। शांति और सहअस्तित्व ये भारतीय संस्कृति की पुरातन परंपरा है और सहअस्तित्व का भाव सभी में जगाना होगा। हम सब किसी जाति धर्म के हों, किसी मजहब के, किसी धर्म और संप्रदाय के मानने वाले हों, हम सबको इसी मिट्टी में जन्म लिया है, इसी मिट्टी में पोषण होता है, इसी मिट्टी में अंतिम रूप से पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए सहअस्तित्व की परंपरा को कायम रखना चाहिए। आप सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं और एक तरफ उपचुनाव में लगातार एक ही नारा चला कि बटेंगे तो कटेंगे। ये तो ऐतिहासिक उदाहरण है। जब भी समाज बटा, जब भी समाज में बिखरा हुआ, तो देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। इसलिए एकजुटता होनी चाहिए सभी लोगों में।